हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पे देखिए, बेटा सोया हुआ, एकदम मस्त वाली नींद ये सो रखा है। और इधर ये देख रहा है टीवी, जिसमें चला हुआ है तारक मेहता ऑब्वियसली। और आज ना इसके एफए मेजर 2 चल रहे थे, वो आज उसका लास्ट पेपर था। तो आज स्कूल से आके बस खाया पिया, थोड़ा सा खेला और फिर ये सो गया। फिर मैंने भी इसको नहीं उठाया, काफ़ी देर हो गई, अब 4:30 बज गए हैं। तो अब मैं उठा दूंगी इसको, क्योंकि होता है ना एग्ज़ाम में थोड़ा हेक्टिक रहता है, बच्चों को भी मेंटल पीस मिलता है जिस दिन एग्ज़ाम लास्ट होते हैं। और पता है आज इसका लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर था FA2 का, और मिड टर्म की डेट शीट कल आ गई, तो 9 तारीख से फिर से एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको पूरी तरह से रेस्ट करने देते हैं एक दो दिन, फिर उसके बाद में आगे की तैयारी पे लग जाएगा। तो यही होता है ना। तो और हाँ, आज मैं ना डिनर में बनाने वाली हूँ, बहुत यम यम सा, अपने स्टाइल में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी आज का वीडियो शेयर कर लिया जाए। लास्ट 2 दिन से मैं कुछ नहीं कर पाई थी, थोड़ा हेल्थ इशू भी हो रहा था, फीवर हो गया था एक्चुअली फीवर, और पता है एक दिन ना वॉमिटिंग और लूज मोशन लग गए थे। और आजकल ना ये बड़ा हो रहा है मेरी फैमिली में, मेरी देवरानी को भी थोड़ा तबीयत इशू चल रहे हैं। तो चलिए, वो तो होता रहता है, टाइम ही ऐसा है ना। इस टाइम पे ना बहुत बीमारियां चल रही हैं, और स्पेशली उल्टियां, रेटिन और फीवर, यही चीज़ें हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इवनिंग रूटीन। सो फ्रेंड्स, बेटे को मैंने उठा दिया है, वो चला गया है थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और मैं फटाफट से लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि सुबह और शाम की जो स्टार्टिंग होती है ना वो लगभग सेम होती है। सुबह में भी सबसे पहले काम यही होता है कि झाड़ू वाड़ू लगा के अपने किचन में चाय नाश्ता बनाने चले जाते हैं, फिर पोछा वोछा लगता है। और इस टाइम पर भी मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, लेकिन पूरे घर में नहीं निकालती, क्योंकि अंदर वाला जो रूम है ना वो कम यूज़ होता है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि दो दो बार झाड़ू लगाई जाए। लेकिन हाँ, किचन वाली एरिया में और इस वाले रूम में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हम लोग इस वाले रूम में ही रहते हैं, अंदर बाहर आना जाना चला रहता है ना, तो हल्का फुल्का सा धूल मिट्टी या वो डस्ट हो ही जाती है। तो बस फटाफट से मैंने निकाल दी है झाड़ू, और उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत फैला हुआ है बेड और सोफ़ा, इसको मैं अरेंज कर दूंगी। तो बस इसी तरह से रोज़ लगभग शाम की शुरुआत होती है हम लोगों की। और बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है, छोटा वाला बेटा उधर बैठ जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पूरा दिन हो गया सोते हुए, मतलब 2:30 बजे वो आ जाता है लगभग, फिर आधा घंटा खाना खाता है, कुछ खेलता है, और वो 3 बजे ही ना सो गया था आज जल्दी से, और अभी सोया है। तो 1.5-2 घंटे मस्त नींद उसने निकाली है। और इधर उसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं आज यहाँ पे पापड़ तल लूँगी, जो सोयाबीन वाले पापड़ होते हैं ना, वो काफ़ी पसंद से आते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं। तो बस आज मैं वही बना ले रही हूँ, बहुत टाइम हो गया उनको बनाए हुए, तो सोचा चलो 2-2 पापड़ फ्राई कर लेते हैं चाय के साथ में, और बस यही हो जाएगा। इधर साइड को मैंने बना ली है चाय, उधर साइड को मैं कर ले रही हूँ फटाफट से पापड़ फ्राई, और एकदम से ये हो जाते हैं। और इनके ऊपर ना मैं हल्का सा चाट मसाला डालूँगी, तो वैसे अच्छे लगते हैं। इसमें ना सॉल्ट होता है खुद से, प्लेन भी खा लो तो वो भी अच्छे लगते हैं, बट चाट मसाला डाल के ना थोड़ा सा और टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो बस मैंने ले लिए बच्चों की चाय में, मैंने थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स कर दिया है, और अब हम करेंगे अपना इवनिंग टी इंजॉय। और अभी देखिए 6 बज गए हैं लगभग, हम लोग आ गए थे ऊपर यहाँ प्लांट्स में पानी डालने के लिए, हल्के हल्के से बादल हो रखे हैं, और इस टाइम पे ना आज अच्छी सी हवा भी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मंद मंद सी हवा चल रही है, और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना कहीं बारिश हुई है, तो हवा में ना थोड़ी ठंडक सी है, तो कुल मिला के बाहर अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए, ये डाल देगा सारे प्लांट्स में फटाफट से पानी। अभी इसके बाद में नीचे की साइड को जो रखे हुए हैं उनमें मैं डाल दूँगी यहाँ से जब नीचे जाएँगे, और थोड़ा देर हम लोग यहीं पे रुकेंगे 15-20 मिनट, उसके बाद मैं चली जाऊंगी नीचे के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। और ये वाला जो प्लांट है ना, ये सूख गया है, वैसे तो ये सूख गया है पूरा, लेकिन अभी जो इसकी स्टेम है ना उसमें थोड़ी जान सी है मतलब वो पूरी तरह से सूखी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें पानी डालती रहती हूँ कि क्या पता देखो सर्वाइव कर जाए। पता नहीं क्यों क्या हुआ, इस टाइम पे तो सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट ये एकदम से ही ना पीला पड़ गया लास्ट वीक से, पता नहीं क्या हुआ इसमें। और चलिए देखते हैं, फिलहाल मैं लगे रहने दूंगी जबकि जो उसकी लकड़ी है जब तक वो नहीं सूख जाती है प्रॉपर, अभी उस थोड़ी वैसी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद चल जाए, तो चलिए देखते हैं जैसे भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल,
और काफ़ी टाइम हो गया है राजमा बनाए हुए, मेरे को लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो इतना मन कर रहा था ना, तो सुबह के टाइम में वैसे ना दिन में दिमाग में आया, तो इसलिए मैंने सुबह में भिगा दिया। और राजमा को ना 7-8 घंटे चाहिए होते हैं भीगने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो शाम के टाइम में बना लूँगी। दिन में आज फटाफट से पीले चावल बना लिए थे और इस टाइम पर राजमा चावल हो जाएंगे, तो आज दो पूरा दिन चावल चावल है, राइस डे। तो चलिए कोई नहीं, इधर को देखिए जो राजमा है ना उसको मैंने खड़े मसाले डाल के बॉईल किया था, लाइक उसमें तेज पत्ता, सिनेमन और काली इलायची, लौंग सब इसमें मैंने डाल दिया था खड़ा मसाला, क्योंकि उसको क्या होता है बाद में निकाल देते हैं, खड़ा मसाला मुंह में भी आता है ना तो अच्छा जैसा नहीं लगता। तो उसको मैंने छांट छांट के सारा सा जो उसमें था वो सब मैंने निकाल दिया है, क्योंकि उसका फ्लेवर तो हमारे राजमा में आ ही गया है। और तड़के के टाइम पे मैं खड़ा मसाला नहीं डालूंगी, इस टाइम पे सिर्फ मैं पाउडर मसाला जो होता है वो ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल वो ले लिया था जिसमें पापड़ फ्राई किए थे, ज़्यादा नहीं था, 2-3 चम्मच होगा। और उसके बाद मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना देसी घी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली राजमा, कढ़ी, साग, ये 3 चीज़ ऐसी हैं कि मेरे को देसी घी की ही पसंद आती है तड़के वाली। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही देसी घी लिया है और उस फिर उसके बाद डाला है उसमें हींग, जीरा, प्याज, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा जब वो ब्राउन हो गई है उसमें डाल दिए ढेर सारे टमाटर, थोड़ा सा पाउडर मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब ऐड करके थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से पका लिया है ग्रेवी को। फ्रेंड्स मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला। इस टाइम पर मैं खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और मेरा सीक्रेट हो गया है बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे अपना बॉइल्ड राजमा। तो मुझे पता है सब लोग बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी सब बनाते हैं, मैं वैसे भी दूसरे का बना हुआ खाती हूँ ना तो मुझे बड़ा यम लगता है, बट मैंने आप लोगों के साथ वैसा शेयर किया जैसे मैं तड़का लगाती हूँ, एकदम सिंपल सा होता है। हाँ इसमें मैं जिंजर और गार्लिक डालती हूँ, लेकिन मैंने आज नहीं डाला है क्योंकि मुझे अपने पड़ोस में देना है एक को, और वो लोग ना गार्लिक वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें अवॉइड कर दिया। और ऐसे भी अच्छा लगता है जिंजर गार्लिक का जो प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। देखूंगी तो मैं बाद में रमचे में थोड़ा सा घी लेके ना उसका तड़का लगा दूंगी या फिर छोड़ दूंगी उनको देने के बाद में। तो चलिए और फटाफट से जो भी थोड़ा सामान इधर उधर फैला हुआ था उसको हटा दिया है, काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया है, इधर साइड में मैंने रख दिया है। दूध पकने के लिए दूध भी आ गया था तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इसको भी पका लेते हैं। और यहाँ पे मैं चावल भिगा के रख दूँगी क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इसके साथ में जीरा राइस, और बहुत अच्छा सा लगता है, सिंपल सा मैंने सोचा चलो आज जीरा राइस बनाते हैं, उसको भी मैं देसी घी में लगाऊंगी तड़का, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा सा हाथ से रब करके, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर ना पनीर में, राजमा में, इसमें मुझे बहुत पसंद है। मैंने डाल दिया है, अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी मैं सिमर होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, और हमारा यम यम वाला राजमा हो जाएगा तैयार। मीनवाइल मैं आ गई थी अपनी संध्या आरती के लिए, क्योंकि इधर इसका टाइम हो गया था 7:10 इस टाइम पे हो रखे हैं, तो बस फटाफट से मैंने कर ली अपनी संध्या आरती। एक्चुअली पूजा मैं हमेशा ऑफ कैमरा ही करती हूँ, तो मेरा जो अपना पूजा का आरती वारती का होता है ना वो सब मैं कर चुकी हूँ, ये मैंने दोबारा से कैमरा लगा के हल्का सा शूट कर लिया सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए, बाकी पूजा मैं पहले ही कर चुकी थी। और इधर देखिए मैं फटाफट से अब आ गई हूँ अपने चावलों में तड़का लगा देती हूँ, तो चावल को भी मैं ना घी में ही भूनूंगी, क्योंकि घी वाले जीरा राइस ना एक अलग सी थोड़ी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना, काफ़ी अच्छे से लगते हैं, इसलिए मैंने चावल भी जो रेगुलर वाले हमारे घर के चावल होते हैं ना वो नहीं भिगाए। मैंने आज लिया है लॉन्ग ग्रेन, मैं बना रही हूँ लंबा वाला जो चावल आता है दावत का, वो है मेरे पास, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में ना थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, जैसे एक में कम रह गया था दूसरा पैकेट मैंने खोल लिया था उसमें भी, तो फिर दोनों पैकेट का मैंने निकाल के भिगा के रख दिया था। तो चलिए, और राजमा चावल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छा लगता है इसके साथ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दिन का अगर टाइम होता तो मैं छाछ बना लेती इसके साथ में, हालांकि छाछ रखा हुआ है बट क्योंकि रात का टाइम है इसलिए मैं दही या छाछ लेने वाली नहीं हूँ, बस यही खाऊंगी, चपाती मैं नहीं बना रही हूँ। साथ में अगर मूड होगा तो प्याज ले लूँगी, अदरवाइज़ देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चावल भी हो गए हैं फ्राई, इसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी, एक सीटी में हमारे जो चावल भी तैयार हो जाएंगे, उधर तो हमारा राजमा भी तैयार है। यहाँ पे रूम में कर रहे हैं बच्चे अपनी मस्ती,
और चावल में सीटी आ गई थी, मैं पहले थोड़ा सा निकाल के ना जो भी मेरे को देना था वो मैं दे के आ गई हूँ अपने पड़ोस में, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे आके देखा तो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए अब मैं अपना भी खाना निकाल लेती हूँ। तो फटाफट से मैं निकाल रही हूँ खाना, और पता है काफ़ी यम से बने थे, एकदम सिंपल सा बनाया था लेकिन बहुत अच्छे से बने थे। तो चलिए अब हम करते हैं अपना खाना इंजॉय। तो ये है हमारा आज का डिनर, यम यम वाला राजमा और साथ में जीरा राइस। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बच्चों के साथ में करती हूँ खाना एंजॉय, उसके बाद में वही बर्तन किचन क्लीनिंग और लास्ट में बच्चों को एक गिलास दूध हल्दी वाला और हो जाएगा इस टाइम का काम कम्प्लीट। तो वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पे वाइंड अप, मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन। कैसे लग रहा है कन्नू? ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बहुत बढ़िया बनाए रखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को करती हूँ बंद अभी के लिए। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।